हेलो दोस्तों, तो चलिए आज की इस क्लास में हम लोग बात करते हैं एक बहुत ही महत्वपूर्ण एडिटोरियल के बारे में, सामरिक पेट्रोलियम भंडार के बारे में। देखेंगे आखिर ये अभी किस संदर्भ में चर्चा में है, ये किसकी पृष्ठभूमि देख लेंगे। बेस्ट टेक्सस इंटरमीडिएट ये क्या है, इस पर भी चर्चा करेंगे। सामरिक पेट्रोलियम भंडार से तात्पर्य क्या होता है, उसे भी देखेंगे। पेट्रोलियम निष्कर्ष व शोधन के बारे में जानेंगे। भारत के सामरिक पेट्रोलियम भंडारों को देखेंगे। सामरिक पेट्रोल भंडार की क्षमता क्या है, उस पर भी चर्चा करेंगे। पेट्रोलियम भंडार के लाभ क्या है, भारत में तेल भंडार से जुड़ी समस्याएं क्या है, समाधान के प्रयास क्या हो सकते हैं, उस पर भी हम लोग बात करेंगे। सबसे पहले बात कर लूँ अभी तो, आपके जो पेट्रोल हो फिर डीजल हो, उसका रेट बढ़ने का कारण है सबसे बड़ा आपकी जो सरकार है, इसकी एक्सरसाइज ड्यूटी। यानी कि ये आप इस तरह से समझ सकते हैं इसे, किस तरह से, कि आपने एक किसान है आपके सामने, ठीक है। किसान आलू कितने रुपए किलो बेचता है, 5 से 10 रुपए किलो, बहुत से बहुत, ठीक है। उसके बीच में आपका एक व्यापारी आता है जिसे आप लोग बिचौलिया कहते हैं अक्सर, वो वहां से 10 रुपए किलो आलू खरीदता है, शहर तक पहुंचाता है, और वो यहाँ 25 से 30 रुपए किलो आलू बेचता है। तो बीच का जो पैसा है, 10 रुपये किसान से ले रहा है 10 रुपये किलो, और वो बेच कितने का रहा है, 30 रुपये किलो। यानी कि जो 20 का 20 रुपया खा रहा है, कौन खा रहा है, व्यापारी। कौन, व्यापारी। तो आपके और तेल कंपनियों के बीच में, यानी कि तेल जो कच्चा तेल है उन देशों के बीच में कौन है, आपकी सरकार। तो ये सरकार बीच में आपका पैसा बढ़ा के खाती है, ठीक है, उसका आय का स्रोत हो जाता है। तो इस तरह से ले सकते हैं। आपने अभी कोरोना महामारी के बीच में सुना होगा, लॉकडाउन के समय, कि तेल की इतनी कीमत गिर चुकी थी कि तेल कंपनियां, यानी कि जो कच्चे तेल के उत्पादक देश हैं, वो तेल भी दे रहे थे और साथ में कुछ पैसा भी दे रहे थे। समझ रहे हैं कि उस तेल को रखने के लिए जितना खर्च होगा, उससे बेटर था कि दूसरे देश को दे दिया जाए, कुछ साथ में पैसा भी दे दिया जाए। आपने सुना होगा कि तेल पानी से सस्ता हो चुका है, तो यही कारण था, क्योंकि आपने देखा था कि पूरी तरह से अर्थव्यवस्थाएं ठप्प पड़ी हुई थी, ना आपका कहीं उपयोग ही नहीं हो रहा था। तो आप भी जानते हैं कि अगर जिस चीज का उत्पादन अधिक हो जाता है तो उसका रेट अपने आप गिर जाता है, ठीक है। आपने टमाटर का देखा होगा बाजार में, जब एकाएक भरमार पड़ जाती है टमाटर की, तो उसका रेट क्या होता है, गिर जाता है, और उसका रेट गिर जाता है, और जब कमी पड़ती है तो रेट बढ़ जाता है। लेकिन आपके देश में ऐसा नहीं है तेल के मामले में, क्योंकि अगर महंगा होता है कच्चा तेल तो उसका टैक्स आपसे ही वसूला जाता है, और सस्ता होता है तो उसका लाभ आपको नहीं दिया जाता है, सरकार अपनी जेब में खुद रख लेती है। तो यही सबसे बड़ा कारण है, ठीक है। आपकी सरकार टैक्स लगाती है, वो टैक्स सरकार के अकाउंट में जाता है, इसलिए महंगा होता जा रहा है। वरना अभी सस्ता आपका तेल, जितना अभी सस्ता है कच्चा तेल, उतना शायद मुझे नहीं लगता है कि कभी सस्ता हुआ होगा 2014 की बाद से, ठीक है। तो ये याद रखिए, वैश्विक महामारी COVID-19 यानी कि कोरोना से उपजे संकट से निपटने के लिए लागू किए गए लॉकडाउन के कारण पेट्रोलियम उत्पादों की मांग में कमी के चलते मई 2019 के उत्पादन में, मई 2020 में भारत में कच्चे तेल का उत्पादन 7.1% तक गिर गया है। क्योंकि जब उपयोग ही ना हो तो उसका उत्पादन करने का क्या मतलब होता है, आप भी जानते हैं। हालांकि वित्त वर्ष 2013-14 के बाद से प्रत्येक वर्ष कच्चे तेल का घरेलू उत्पादन घट रहा है। वार्षिक कच्चे तेल का उत्पादन वित्त वर्ष 2013-12-13 में 38,089.7 हजार मैट्रिक टन से घटकर वित्त वर्ष 2019-20 में आपका ये हो गया 32,169.3 हजार मैट्रिक टन, यानी कि आपका 6,000 के करीब कम गया, देख रहे होंगे आप लोग, ठीक है। वस्तुतः भारत से कच्चे तेल की कीमतों में गिरावट के मद्देनजर अपनी सामरिक तेल भंडार में वृद्धि की है, और वर्ष के अंत तक इसके बढ़ने की उम्मीद है। किंतु इसके बावजूद वित्तीय वर्ष 2020 में देश का तेल आयात बिल $100 बिलियन के आसपास रह सकता है, जो कि वित्तीय वर्ष 2019 के तेल आयात बिल से कम है। 2019 में कितना था, $111.9 बिलियन। एक पृष्ठभूमि देखते हैं, वर्ष 1990 में पश्चिमी एशिया में जब खाड़ी युद्ध हुआ था तो उस समय भारत के समक्ष कच्चे तेल को लेकर एक बहुत बड़ा संकट आ गया था। उस समय भारत के पास बस केवल इतना ही तेल शेष था जिससे मात्र कुछ दिन ही दैनिक कार्य किए जा सकते थे। उस समय तो किसी प्रकार के से संकट टल गया,
था, परंतु आज भी इस प्रकार के संकट की आशंका बनी रहती है। भारत की ऊर्जा मुख्य रूप से जीवाश्म ईंधन पर पूर्णता निर्भर है। ईंधन का 80% आयात विशेषकर पश्चिमी एशिया से करते हैं। यदि किसी कारण से पश्चिम एशिया में युद्ध की पृष्ठभूमि बन जाए तो आपूर्ति का संकट हो जाएगा। देश का चालू खाता घाटा भी बड़े पैमाने पर बढ़ सकता है। याद रखिए, जो हमारा कच्चा तेल है इसका हम लोग 80 से 85% तक आयात करते हैं, दूसरे देशों से हम लोग खरीदते हैं। हमारे पास इतने बड़े भंडार नहीं है कि हम अपने आत्मनिर्भरता हो सके, समझ आए। इस तथ्य को ध्यान में रखकर तत्कालीन सरकार ने वर्ष 1998 में सामरिक पेट्रोलियम भंडारण की नीति को अनुमति दी थी। हाल ही में वेस्ट टेक्सास इंटरमीडिएट क्रूड ऑयल की कीमत नकारात्मक रही, जो इस ओर संकेत करता है कि देशों के पास तेल को भंडारित करने के लिए पर्याप्त भंडारण क्षमता की कमी थी। आप समझ रहे हैं, कीमत नकारात्मक रही यानी कि बहुत सस्ता हो गया था तेल, और देशों के पास भंडारण करने की सुविधा नहीं थी, इसीलिए उन्होंने कहा कि तेल भी ले जाइए और लीजिए, कुछ पैसा भी हम दे देते हैं आपको। सर समझ रहे हैं, कुछ मुद्रा भी दे देते हैं। तभी आपने सुना था कि पानी से सस्ता हो चुका है तेल। टेक्स वेस्ट टेक्सास इंटरमीडिएट वेस्ट टेक्सास टेक्सास इंटरमीडिएट बेंट ब्रेंट और दुबई क्रूड के साथ तेल मूल निर्धारण के तीन मुख्य बेंचमार्क में से एक है। अमेरिका में कच्चे तेल का उत्पादन मुख्यतः टेक्सास, नॉर्थ डिकोटा और लुसियाना राज्य में होता है। ईंधन के रूप में खनिज तेल के प्रयोग के अतिरिक्त वायदा बाजार में एक कमोडिटी के रूप में इसका व्यापार भी किया जाता है। WTI के फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट का व्यापार न्यूयॉर्क मर्चेंटाइल एक्सचेंज में किया जाता है। WTI की कीमत को अमेरिकी वेस्ट टेक्सास इंटरमीडिएट की कीमत को अमेरिकी तेल बाजार में बेंचमार्क के रूप में देखा जाता है। सामरिक पेट्रोलियम भंडार से का तात्पर्य क्या है आखिर? पहली बार तेल के संकट के बाद सामरिक भंडार की इस अवधारणा को वर्ष 1973 में संयुक्त राज्य अमेरिका में लाया गया था। पृथ्वी की सतह के नीचे गहरी गुफाओं के भंडारण की अवधारणा पारंपरिक रूप से एक ऊर्जा सुरक्षा उपाय के रूप में लाया गया, जो भविष्य में हमले या आक्रमण के कारण तेल की आपूर्ति कमी आने पर सहायक हो सकती है। यह भूमिगत भंडारण पेट्रोलियम उत्पादों के भंडारण की अब तक की सबसे अच्छी आर्थिक विधि है, क्योंकि भूमिगत सुविधा भूमि के बड़े स्तर की आवश्यकता को नियंत्रित करती है, कम वाष्पीकरण सुनिश्चित करती है, क्योंकि गुफाओं के कारण निर्माण समुद्र तल से बहुत नीचे किया जाता है, इसलिए कच्चे तेल का निर्वहन जहाजों से करना आसान होता है। पेट्रोलियम निष्कर्षण एवं शोधन पेट्रोलियम धरातल के नीचे स्थित अवसादी परतों के बीच पाया जाने वाला संतृप्त हाइड्रोकार्बन का काले भूरे रंग का तेलीय द्रव है, जिसका प्रयोग वर्तमान में ईंधन के रूप में किया जाता है। आपका पेट्रोलियम को जीवाश्म ईंधन भी आप लोग कहते हैं, क्योंकि इसका निर्माण धरातल के नीचे उच्च ताप दाब की परिस्थितियों में मृत जीव जंतुओं व वनस्पतियों के जीवाश्मों के रासायनिक रूपांतरण से होता है। याद रखिए, कई हजार सालें लग जाती हैं इसे बनने में, समझ रहे हैं। जब धरती पर एक महापलर आएगा, आप समझ सकते हैं कि जीव जंतु सब दब जाए, उसके बाद अधिक ताप बढ़ेगा, अधिक आपका दाब बढ़ेगा, उसी परिस्थिति में इस तरह का जीवाश्म रासायनिक रूपांतरण होता है। इसमें हजारों साल लग जाते हैं। विश्व में सबसे पहले पेट्रोलियम कुएं की खुदाई संयुक्त राज्य अमेरिका के पेंसिल्वेनिया राज्य में स्थित टाइटस विले स्थान पर की गई। डेलिंग से प्राप्त होने वाले पेट्रोलियम को कच्चा तेल क्रूड ऑयल कहा जाता है। यही हम लोग ऑयल आयात करते हैं, उसके बाद हम लोग फिल्टरिंग अपने यहाँ करते रहते हैं। उससे आप पेट्रोल देखते हैं, प्राकृतिक गैस क्रैश देख लेते हैं आप लोग, डीजल हो गया आपका, उसी से निकालते रहते हैं। कच्चे तेल को रिफाइनरियों में प्रसंस्कृत किया जाता है। पेट्रोलियम से ही पेट्रोल, मिट्टी के तेल, विभिन्न हाइड्रोकार्बन, ईथर, प्राकृतिक गैस आदि को प्राप्त किया जाता है। पेट्रोलियम से इसके अवयवों को अलग करने की विधि आपकी प्रभावी आसवन विधि कहा जाता है, इसे पेट्रोलियम शोधन भी कहा जाता है इसे, ठीक है। भारत के सामरिक पेट्रोल भंडार की बात करें, स्टेटिक पेट्रोलियम रिजर्व SPR गोल एज सेट अप 5x33 MMT
स्ट्रेटेजिक क्रूड ऑयल स्टोरेज, इस तरह से आपकी थ्री लोकेशन, विशाखापट्टनम आंध्र प्रदेश में, मंगलूर कर्नाटक, वडूर कर्नाटक में आपका, ठीक है। 6.5 MMT या आपका चंडीखोल उड़ीसा, चांदीखोल उड़ीसा, उपरूर कर्नाटक। इसी तरह एस्टिंग क्रूड ऑयल स्टोरेज कैपेसिटी अंडर SPR 1, 1.3 यानी कि 1.3 MMT ये आपका विशाखापट्टनम आंध्र प्रदेश में, और 1.5 MMT मैंगलोर कर्नाटक में, 1.5 MMT पडोर कर्नाटक में, ठीक है। इसी तरह आप अपकमिंग क्रूड ऑयल स्टोरेज कैपेसिटी अंडर SPR 2, 4 MMT चंडीकोल उड़ीसा, चांदीकोल उड़ीसा, 2.5 MMT पडोर कर्नाटक में, पडोर कर्नाटक में। ये आप मैप्स में भी देख सकते हैं, ये विशाखापट्टनम है, ये आपकी चांदीकोल है, मैंगलोर हो गया ये, ठीक है। भारत में सामरिक कच्चे तेल में भंडार वर्तमान में विशाखापट्टनम आंध्र प्रदेश, मंगलोर कर्नाटक और पाडूर कर्नाटक में स्थित है। इसके अलावा सरकार ने चंदी खोल उड़ीसा में और पाडूर कर्नाटक में दो अतिरिक्त सुविधाएं स्थापित करने की घोषणा की है। सामरिक पेट्रोलियम भंडार की क्षमता, वर्तमान में भारत में आपातकालीन आवश्यकताओं के लिए तेल भंडार करता है। वर्तमान में सामरिक पेट्रोलियम भंडार कार्यक्रम के तहत भारत में 87 दिन तक आवश्यकता पूर्ति की भंडारित क्षमता रखता है, यानी कि 87 दिन तक आपका काम चल सकता है, इतना आपके यहाँ पास भंडारण है। इसमें से लगभग 65 दिनों की आवश्यकता पूर्ति को तेल प्रसंस्करण इकाइयां, जबकि शेष भंडारण भारतीय सामरिक पेट्रोलियम भंडार लिमिटेड द्वारा बनाई गई भूमिगत भंडार के रूप में अनुरक्षित किया गया जाता है। भूमिगत भंडार की वर्तमान क्षमता 10 दिनों की तेल आयात के बराबर होती है। अब बात करते हैं पेट्रोलियम भंडारण की लाभ क्या है। कच्चे तेल के ऐसे भूमिगत भंडार के कई लाभ हैं। पहला लाभ तो यही है कि किसी युद्ध या फिर आपदा की स्थिति में देश की ऊर्जा सुरक्षा अचानक खतरे में नहीं पड़ती है। आप समझ सकते हैं कि कहीं युद्ध छिड़ गया या फिर किसी भी कारण से तेल की सप्लाई रुक जाती है, तो आपके देश की सुरक्षा पर कोई खतरा नहीं पड़ेगा, क्योंकि आपके पास इतना भंडारण है कि उसका प्रयोग करके आप अपनी दिनचर्या को चला सकते हैं, अपने काम को कर सकते हैं। वर्ष 1991 में खाड़ी युद्ध के समय इस प्रकार के सामरिक पेट्रोलियम भंडारण संयुक्त राज्य अमेरिका के लिए काफी लाभदायक सिद्ध हुए थे। दूसरा लाभ यह है कि कच्चे तेल की कीमतें अचानक बहुत ज्यादा होने पर इस रिजर्व स्टॉक के इस्तेमाल से देश में तेल की कीमतें काबू में रखी जा सकती हैं। इसके अलावा भूमिगत भंडार कच्चे तेल को रखने का सबसे कम व्यय वाला तरीका है। चूंकि भंडार काफी गहराई में होता है, इसलिए बड़े पैमाने पर जमीन के अधिग्रहण और सुरक्षा इंतजामों की जरूरत नहीं पड़ती है। और आप समझ सकते हैं कि जब सस्ता है तो खरीद कर रख लेते हैं, और जब महंगा होता है तो उसे अपने से ही काम चलाते हैं, समझे। भारत में तेल भंडारण से जुड़ी समस्याओं की बात करें, तेल भंडार में पारदर्शिता के अभाव के कारण तेल को समय पर उपयोग करने में अनेक अड़चने हैं, जिसमें SPR तेल की कीमतें सामान्यतः बहुत अधिक रहती है। वास्तव में निजी रिफाइनरियों के पास पर्याप्त सामरिक पेट्रोल भंडार होते हैं, परंतु इनके द्वारा यह भंडार किस रूप में क्रूड या फिर रिफाइंड तथा कहाँ किया जाता है, इस संबंध में पूरी तरह पारदर्शिता का अभाव देखा जाता है। दूसरा मुद्दा रिफाइनरी की धारिता से संबंधित है। भारत में SPR तेल रिफाइनरों रिफाइनरी केंद्र सरकार जरा सरकार को नियंत्रण में है। हालांकि स्टॉक रखने वाली अधिकांश रिफाइनरी सार्वजनिक रूप से स्वामित्व वाली कंपनियां हैं। भारत तेल भंडारण के लिए ओमान जैसे देशों में सामरिक तेल भंडार स्थापित कर सकता है, हालांकि इन स्थानों के साथ भू राजनीतिक जोखिम भी हो सकते हैं। समाधान के प्रयास क्या हो सकते हैं उन्हें भी देखिए। भारत में अन्य रणनीतिक भंडार यथा विदेशी मुद्रा भंडार, जिसमें स्पष्ट विक्रियाओं प्रोटोकॉल तथा आंकड़ों को जारी करने की आवश्यकता होती है, उसी SPR भंडार के लिए भी स्पष्ट सार्वजनिक तथा संसदीय जांच की आवश्यकता होनी चाहिए। SPR संबंधी सूचना के बारे में गोपनीयता के बजाय इसे समय पर और विश्वसनीय रूप से उपलब्धता सुनिश्चित करनी चाहिए। SPR पर अलग अलग इकाइयों का नियंत्रण होने के कारण इन तेल भंडारों को समय पर उपयोग करने में बाधा उत्पन्न होती है। इससे तेल की गतिशीलता प्रक्रियाएं काफी अस्पष्ट
तथा जटिल बन जाते हैं। अतः एसपीआर के संबंध में विभिन्न इकाइयों की भूमिका और प्रक्रियाओं में स्पष्टता होनी चाहिए। आपात स्थितियों में जोखिमों को कम करने के लिए भारत को अपने एसपीआर धारिता में विविधता लानी चाहिए, और यह प्रक्रिया भौगोलिक स्थान, तेल घरेलू या फिर विदेश में भंडारण स्थान, भूमिगत या फिर अधितल, और उत्पाद के स्वरूप क्रूड ऑयल या फिर परिष्कृत ऑयल पर आधारित हो सकती है। स्वामित्व में विविधता भी एक महत्वपूर्ण कदम हो सकता है। यह सार्वजनिक IPSL के माध्यम से या फिर निजी तेल कंपनियों के माध्यम से अथवा विदेशी कंपनियों के स्वामित्व में हो सकता है। आगे की राय क्या हो सकती है? भारत को वर्तमान समय में वैश्विक स्तर पर तेल की कम कीमतों का लाभ उठाना चाहिए। भारत की सुरक्षा, ऊर्जा सुरक्षा की दिशा में तेल खरीदने और अपनी सामरिक पेट्रोलियम भंडार SPR को भरने के अवसर के रूप में देखना चाहिए। भारतीय सामरिक पेट्रोलियम भंडार भरण की प्रक्रिया, प्रोटोकॉल और तथ्य को अधिक सार्वजनिक किए जाने और उनकी संसदीय जांच करने की आवश्यकता होती है। तो एक कहानी थी आपके सामरिक पेट्रोल भंडारण की, ठीक है।